हरी जय मसीह दी। ओल नेशन चर्च के इस प्रोग्राम में असी थानू सारे वेलकम करते हैं, जी आए आखते हैं, स्वागत करते हैं आप जी का। और आप सारे का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसी अपना कीमती टाइम काढ़ के इस प्रोग्राम नू देख रहे हैं। असी थोड़े अगे यही बेनती करांगे इस प्रोग्राम नू तुसी दूसरों ते भी शेयर करो, अपने भैणा भरावां नू दसो, रिश्तेदारां नू दसो, आंढियां गुआंढियां नू दसो, तां कि वह भी ये प्रोग्राम का जिहड़ा फायदा उठा सकन। ये प्रोग्राम जिहड़ा बहुत ही कीमती है थोड़ी जिंदगी दे वास्ते, थोड़े जीवन दे वास्ते। ये प्रोग्राम दे राही तुहानू बहुत कुछ सीखण नू मिलेगा। सो आपां परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपां नू एक और मौका बख्शिया कि आपां उहदी वर्शिप कर सकते हैं, उहदी तारीफ ते वडियाई ते उहदे गुण गा सकते हैं। सो जदों असीं स्टूडियो दे विच कांची टीवी दे स्टूडियो दे विच प्रभु की वडियाई करनी आ, ते घरां दे विच तुसीं भी साडे नाल रल के प्रभु की तारीफ ते वडियाई करनी आ, तां कि परमेश्वर तुहानू आशीष ते बरकत देवे। आओ सारे रल के इस गीत दे नाल आपां प्रभु की तारीफ करिए, वडियाई करिए। आओ शुक्र खुदा दा करिए, इहो रब की मर्जी आ। पर जिहड़ा अपना नबी दाऊद आ बाइबल दे विच लिखिआ आ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਓ ਸਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਏ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ अपने नाल बठाया ए, ओ दे प्यार दा चर्चा कर।
ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਬਸ ਛਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਯੇਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਯੇਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਡਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਯੇਸੂ ਜੀ
बचना दी प्यास मैनू प्यास बुझा दे तू बचना दी प्यास मैनू प्यास बुझा दे तू दर्शन अपने दी चल के दिखा दे तू दर्शन अपने दी चल के दिखा दे तू शिफा मैनू भी मिले तेरे नाम तो गल नाल ला लो यीशु जी शिफा मैनू भी मिले तेरे नाम तो गल नाल ला लो यीशु जी गल नाल जी ला लो यीशु जी गल नाल जी ला लो यीशु जी मैं चल के दोबारे तेरे आ गया गल नाल ला लो यीशु जी मैं चल के दोबारे तेरे आ गया गल नाल ला लो यीशु जी गल नाल जी ला लो यीशु जी गल नाल जी ला लो यीशु जी तेरा दोबारा यीशु नहीं हो होने छड़ना तेरा दोबारा तू हुण होने छड़ना प्यार तेरे नू दिलों नहीं हो कटना प्यार तेरे नू दिलों नहीं हो कटना मंगी तो वाकारी तेरे कोल आ गया काले नाल ला लो यीशु जी मंगी तो वाकारी तेरे कोल आ गया काले नाल ला लो यीशु जी काले नाल जी ला लो यीशु जी काले नाल जी ला लो यीशु जी मैं चल के दोबारे तेरे आ गया गाने नाल ला लो यीशु जी मैं चल के दोबारे तेरे आ गया गाने नाल ला लो यीशु जी गाने नाल जी ला लो यीशु जी गाने नाल जी ला लो यीशु जी मैं फुला बखशाण लई आ गया गाले नाल ला लो यीशु जी मैं फुला बखशाण लई आ गया गाले नाल ला लो यीशु जी गाले नाल जी ला लो यीशु जी गाले नाल जी ला लो यीशु जी हालेलुया गुण गावां मैं नित तेरे यीशु जी गुण गावां मैं नित तेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा धरती उत्ते जमीन दे थले इको एक ही नाम दिता गया जिहदे आपां गुण गा सकदे हां वह हैगा यीशु मसीह का नाम क्योंकि यीशु मसीह ही है जिहड़ा इहदे लायक आ उसने जमीन और आसमान का अख्तियार अपने हाथ विच लिया होया आ इस करके आपां उहदे गुण गाउंदे हां वह आपां नूं पापां तों आज़ाद करदा आ वो आपां नूं मुक्ति दिंदा आ अपना टुटा रिश्ता पिता परमेश्वर दे नाल वो जोड़दा आ उहदी कुरबानी दे वसीले नाल जिहड़ी उसने सलीब दे उत्ते सारी दुनिया दे बदले दित्ती आ इसलिए वो चाहुंदा आ कि सिर्फ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दी ही वड्याई इह धरती उत्ते होवे आकाश दे थले यीशु मसीह दी वड्याई होवे कल्ली होर किसे दी ना होवे उहदे तौल उहदे सामने प्रभु यीशु मसीह किसी ने भी पसंद नहीं करता अगर वो सामने होर किसी की आप वड्याई करते हैं होर किसी की जय जयकार करते हैं सिर्फ यीशु मसीह की ही तारीफ से वड्याई होनी चाहिए क्योंकि वही सच्चा रब आ उही पहला तो उही खीरला उही आद तो उही अंत आ होर कोई है नहीं गा आओ आप रल के इस यीशु मसीह की जोड़ा स्पैशल आ ये दुनिया के बच्चे आप वड्याई करिए हालेलुया गुण गावां मैं तेरे यीशु जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे यीशु जी गुण गावां मैं तेरे
बख्श दे आंगन मेरे जस जी बख्श दे आंगन मेरे बख्श दे आंगन मेरे जस जी बख्श दे आंगन मेरे गुण गावां मैं तेरे जस जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे जस जी गुण गावां मैं तेरे सब ते उच्चा नाम है तेरा सब ते उच्चा नाम है तेरा बेच स्वर्गी तेरा बसेरा बेच स्वर्गी तेरा बसेरा नाम जपिए शाम सवेरे नाम जपिए शाम सवेरे गुण गावां मैं तेरे यसु जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे यसु जी गुण गावां मैं तेरे गौंदा सुनदा तेरी बाणी गौंदा सुनदा तेरी बाणी फिर दुनिया दी सार न जानी फिर दुनिया दी सार न जानी खुद दुख मिट जान बथेरे खुद दुख मिट जान बथेरे गुण गावां मैं तेरे जस जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे जस जी गुण गावां मैं तेरे जो भी यसू की शरण च आवे जो भी यसू की शरण च आवे पापा तो छटकारा पावे पापा तो छटकारा पावे हुंद जिंदगी दा दूर हनेरे हुंद जिंदगी दा दूर हनेरे गुण गावां मैं तेरे यसू जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे यसू जी गुण गावां मैं तेरे नाम तेरा सदा जपते रहना नाम तेरा सदा जपते रहना एहो है साड़ी जिंदगी दा गहना एहो है साड़ी जिंदगी दा गहना यीशु रहिंदा साडे चार सवेरे यीशु रहिंदा साडे चार सवेरे गुण गावां मैं तेरे यीशु जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे यीशु जी गुण गावां मैं तेरे बख्श दे आंगन मेरे यसु जी बख्श दे आंगन मेरे बख्श दे आंगन मेरे यसु जी बख्श दे आंगन मेरे गुण गावां मैं तेरे यसु जी गुण गावां मैं तेरे गुण गावां मैं तेरे यसु जी गुण गावां मैं तेरे हालेलुया प्रभु दा नाम दयाल बंदेया यीशु दा नाम दयाल प्रभु दा नाम दयाल बंदेया यीशु दा नाम दयाल पिता है ओ ही तेरी
दयाल बंदिया यीशु दा नाम दयाल प्रभु दा नाम दयाल बंदिया यीशु दा नाम दयाल मुक्ति दाता है ओ ही जीवन दाता है ओ ही मुक्ति दाता है ओ ही जीवन दाता है प्रभु का नाम दयाल वंदिया यीशु का नाम दयाल यीशु दा नाम दयाल ओ ही खून बहाता है ओ ही माफ़ी करता है ओ ही खून बहाता दा नाम दयाल प्रभु दा नाम दयाल बंदिया यीशु दा नाम दयाल प्रभु दा नाम दयाल बंदिया यीशु दा नाम दयाल हालेलुया देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां प्रभु येसु मसीह बदलों के उत्ते बहुत जल्दी वापस आ रहा है थोनू पता है गल का बहुत जल्दी वापस आ रहा है कोई पता नहीं कदों भी आ सकता आ सो साडियां अखां उहदे उत्ते लगियां रहनियां चाहीदियां आपां नूं बहुत प्यार करदा जदों आपां नूं कोई इंसान प्यार करे तां अपनी अखां उहनूं देखण लई बहुत तरसदियां रहिंदियां इस लई प्रभु येसु मसीह जिहड़ा दो जहान का मालक जिंदा आसमानी बाप आप चाहते हाँ वो दर्शन करिए अखा चाहदी कि वो दर्शन करन आओ रल के गीत नाल प्रभु की बड़ाई करिए दार येसु जी तरसण मेरिया अखियां देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां मेरिया अखियां मेरिया अखियां मेरिया अखियां देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां तेरी कृपा हर पल जामा तेरे फजल नाल तेरा हो जामा तेरी कृपा हर पल जामा तेरे फजल नाल तेरा हो जामा आसा तेरे ते रखिया आसा तेरे ते देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां
देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया यतिया नैना चो मेरे नींद ना आवे प्यारी तेरा हरी पल सितावे नैना चो मेरे नींद ना आवे प्यारी तेरा हरी पल सितावे अखा तेरी वल लगिया अखा तेरी वल लगिया देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखियां प्यासी बजावो दिल मेरे नू शांत कर जावो प्यासी रूदी प्यासी बजावो दिल मेरे नू शांत कर जावो शांति ना हो बने अखिया शांति ना हो बने अखिया देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखिया देवो दीदार येसु जी तरसण मेरिया अखिया हालेलुया हुण असीं चले आ छोटी जी ब्रेक ते तुसीं दूर किते जाना नहीं असीं बहुत जल्दी वापस आ रहे हां आप सारे प्यार भरी जय मसीह दी एक बार फिर असीं तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां कि तुसीं इस प्रोग्राम नूं देख रहे हां सो आओ हुण आपां प्रभु दे वचन दे विचों सिखण लई चलीए तो आपां देखदे हां पास्टर जगदीश जी उप्पल ओल नेशन चर्च दे पास्टर जिहड़े आ ओह आपां नूं पवित्र बाइबल दे विचों की सिखाउणा चाहुंदे आ सो पास्टर जी अज तुहानूं लखां ही लोक देख रहे आ तो वो चाहुंदे आ कि कोई नवी गल तुहाडे कोलों सिखण तो तुसीं की सिखाउणा चाहोगे हाँ जी आमैन अपनी सिक्ख्या हर वेले बहुत सिंपल होंगी आमैन सकाली समझ वाली होंगी तो जिहड़ी अजक आप वरत सकते हैं वह होंगे आमैन सो अज जो आप देखना वो ये आ
भी प्रार्थना या अरदास किदा करनी आ जिदा जवाब आ सके। ओके सो इहदे बारे देखना आ ते आपां देखना बाइबल दे विच किदा लिखा आ हालेलुया ते असी किदा उहदा जवाब दे सकदे आ। सो इहदे बारे आपां थोड़ी जिहा ध्यान देना आ ते हो सकदा तुसी बहुत अरदास करदे होवो बहुत प्रे करदे होवो पर जवाब नहीं आउंदा हैगा ते अज तों बाद जो तुसी एक दो चीज़ां सीख लईआं हो सकदा फिर तुसी फतेहमंद होण लग पवो। आमेन। ओके जी हालेलुया। सो आपां बहुत सिंपल तरह रखांगे आपां यीशु मसीह बोलिया आ आपां यूहन्ना की किताब उहदा 16 चैप्टर उहदी 23 ते 24 आयत पढ़दे आ। यूहन्ना 16:23 ते 24 पंजाबी विच अपने वास्ते पढ़ी जाऊगी। पवित्र बाइबल विच इस तरह लिखा है अते उस दिन तुसी मेथों कोई सवाल ना करोगे मैं थानू सच सच आखदा हाँ जे तुसी पिता कोलों कुछ मंगो तां ओ मेरे नाम करके थानू देवेगा अजे तिकर तुसा मेरा नाम लैके कुछ नहीं मंगया मंगो तां तुसी लओगे भई थोड़ा आनंद पूरा होवे। आमेन। इत्थे यीशु मसीह अपने चेलियां नू सिख्या दे रहा है जदों भी 3 साल हो गए हुण उन्होंने यीशु मसीह दे नाल चलदियां नू जदों कोई भी लोड़ हुंदी आ ते उह यीशु मसीह दे कोल आउंदे आ ते तां ही उह कहिंदा आ वी हुण उन्हें चल जाणा आ ते हुण उन्हां नू दसदा किद्दां प्रार्थना करनी आ ते पहलां उह जदों भी उन्हां नू एक वारी लोड़ पई जिथे 5,000 जां 7,000 आदमी इकट्ठा होया सीगा ते उन्हां दे 3 दिन हो गए सी कुछ खादा नहीं हैगा ते उह यीशु मसीह कोल आउंदे आ ते यीशु मसीह कहिंदा 50-50 करके बिठा दिओ फिर जो भी तुहाडे कोल हैगा मेरे को लैके आओ ते उह 5 रोटियां ते 2 मच्छियां लैके जांदे आ ते जीसस अरदास करदा आ ते उह 5,000 आदमी हुंदा बाकी भैणां ते न्याणे होणगे उह जुदे होणगे ते उह सारे नूं खड़ा दिंदा आ। आमेन। सो जदों भी उहनां दे कोल लोड़ हुंदी आ उह यीशु मसीह दे कोल आउंदे आ। एक वारी उह समुंदर दे विच डुब्बण लगे हुंदे आ ते यीशु मसीह सुत्ता पिया हुंदा ते उह जाके उहनूं जगाउंदे जगाउंदे आ कहिंदे प्रभु जी तुहानूं फिक्र नहीं हैगा असीं तां डुब्बण लगे आ ते यीशु मसीह उठिया उहने जिहड़ा तूफान आया सी उहनूं झिड़किया इक्को ही दम खाम लै आंदा। यस हालेलुया। सो आपां इत्थे की देखदे आ जदों भी उहनां नूं कोई लोड़ हुंदी सी उह यीशु मसीह दे कोल आउंदे आ। आमेन। पर हुण यीशु मसीह छड के जाण वाला आ ते उहनां नूं दसदा वी किद्दां प्रार्थना करनी आ। उह कहिंदा जदों तुसीं प्रार्थना करनी आ तुसीं स्वर्गी पिता दे कोल जाणा आ उहदे कोल प्रार्थना करनी आ। इत्थे उह इदां नहीं सानूं दसदा हैगा कई वारी असीं मिसटेक कर लैंदे आ इदां नहीं जीसस कहिंदा हैगा मेरे कोल प्रार्थना करनी आ उह कहिंदा स्वर्गी पिता दे कोल जाणा आ मेरे नाम दे विच मंगणा आ। ओके जदों तुसीं स्वर्गी पिता दे कोल जाणे आ जे तुसीं मेरे नाम दे विच मंगोगे इदां ही होऊगी जिद्दां मैं मंग रहा आ। जिद्दां आपां किसे नूं भेजणा हुंदा आ ते आपां फिर उहनूं जा के कहिंदे आ मैनूं जी फलाने आदमी ने भेजा आ फिर इदां आ जिद्दां उह ही आया हुंदा ते इत्थे यीशु मसीह उहनूं सिखारिया आ किद्दां तुसीं प्रार्थना करनी आ फिर उह दसदा आ परमेशर तुहानूं दे देऊगा ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਓਨੀਆਂ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਹਦੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ओके आपां पढ़िया सी 16 चैप्टर हुण आपां 14 चैप्टर तो यूहन्ना जॉन 14:12-13 आपां 12-13 आयत पढ़ांगे। पवित्र बाइबल विच इस तरह लिखा है मैं थानू सच सच आखदा हाँ कि जो मेरे उत्ते निश्चा करदा है सो ये काम जिहड़े मैं करदा हाँ वह भी करेगा सगों इन्हां नालों बड़े काम करेगा क्यों जो मैं पिता दे कोल जांदा हाँ और हाँ जी और तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ मंगोगे मैं सोई करांगा। आमेन। इत्थे आपां देखदे हां जीसस कहिंदा आ वी जिहड़े काम तुसी मैनूं 3 साल हो गए आखा देखदे नूं तुसी वी उदू बड़े बड़े करोगे। आमेन। कहते करके कहिंदा मैं पिता दे कोल चलिया मैं मेक श्योर करना आ बई ओह
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਵਟਸੋਐਵਰ ਯੂ ਆਸਕ ਇਨ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਰਸ਼ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਮੇਨ। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਆ। ਇਹ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸ਼ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਨੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 17ਵੇਂ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਟੈਂਪਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਹ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯੇਸੂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਧਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਿਓ। ਯੈਸ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। 10 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਕੁੱਟਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਰਸ਼ ਆਤਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ,
अजकल भी ये प्रॉब्लम है, लोग इस नाँ नूं पसंद नहीं करते है करके दुष्ट आत्मा उस नाँ नूं सुन के कंबदे आ। उन्होंने पता है जे तुसीं ओह नाँ लैण लग पाए उन्हें नट जाना है, वो रह नहीं सकते है। हालेलुया। तो मैं उन्होंने गल्लां करना पिया तो वह पई बेचारी जीसस कहन की कोशिश करती आ, कहती ज 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 पांच दस मिनट इदे करी जाती है। वो मूहों जीसस नहीं निकलता है। थोड़े चिर बाद मूहों जीसस निकलिया, बहुत उच्ची दुहाई दी उन्हें, तो दो मिनट च उठ के बह गई, मूँह उत्ते हासा आ गया ते फ्री हो गए। हालेलुया हालेलुया। वो दसदी आ कहिंदी मैं बहुत सालों तो इदा ही सी पर हुण मैं फ्री हो गई। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। किहने फ्री कीता? मैं दसदा हुंदा जे किते मैं कुछ कीता हुंदा, मैं छाती चौड़ी करके तुरना सी, बड़ी मेरे को शक्ति आ। उन्हें भी कहना सी जगदीश आया जी, उन्हें प्रे की भी दुष्ट आत्मा नट गया, पर मैं तो कुछ नहीं किया। उन्हें आप यीशु मसीह नूं बुलाया ते यीशु मसीह दे नाम ने उन्हें आजाद कर दिता। आमीन। अज कल भी उस नाम दे विच शक्ति आ, जिथे भी तुसी मेरी आवाज नूं सुन रहे हैं, जिथे भी तुहाडे ते पहुंच रहा है, तुसी जीसस दा नाम ले सकते हैं। एक बहुत मैं चीज दसदा ना, वधिया चीज आ ये, तुसी टेस्ट करके देख सकते हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀਸਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ सॉरी आप हाँ जी मती की किताब उसका अठवें चैप्टर की 16वीं आयत पढ़ेंगे, मैथ्यू 8:16। जीसस रात पई बहुत लोग इकट्ठे हुए आ ते जीसस उन्हां दी मदद कर रहा आ। पवित्र बाइबल इस तरह आखदी है, अते जां सांझ होई उस दे कोल बहुतियां नूं लियाए जिन्हां नूं भूत चिंबड़े हुए सन, अते उसने वचन नाल रूहां नूं कढ दिता और सारे रोगियों नूं चंगिया कीता। आमेन आमेन। रात पई, रात का टाइम सीगा, बहुत लोग इकट्ठे हुए आ, कईआं दे विच भूत आ, कई बीमार आ, कई कौश आ, कई कौश आ, ते जीसस हुक्म दे के कढ़ी जांदा। उस जमाने दे विच इंडिया विच भी असीं कई बारी देखिया, जे किसे विच भूत होवे उन्हां नूं कुटदे आ, उन्हां नूं मारदे आ, उन्हां नूं आह करदे आ, कई बारी लूहदे भी आ, पर जीसस की कहिंदा? ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 7-8 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਨ ਧਨ ਹੋਈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਿਪ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਿਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਿਪ ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਰੂਸਲਮ 'ਚੋਂ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮੈਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭੂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ,
करके एक नौजवान ने आके प्रचार किया ते लोकां नूं आजाद कर ला पिया। हालेलुया। की केड़ा नां दा कीता? यीशु मसीह दे नां दा प्रचार करदा सी, उहदे नां दे विच ही भूत कढदा सी, उहदे नां दे नाल ही बीमारां उत्ते हथ रखदा सी ते बीमार ठीक होई जांदे सी। हालेलुया। सच्ची इह नां दे विच शक्ति आ, अज भी इस नां दे विच उन्नी शक्ति आ। जदों इह इदां करदा सीगा, एक नौजवान होर सीगा उदा सौल ना सीगा, ओहो लोकां नूं फड़ के जिहड़े यीशु मसीह नूं यकीन रखदे सी, उहदे विच भरोसा रखदे सी, उहनां नूं फड़ के जेल दे विच दिंदा सी। ओह आप बहुत मजबी सीगा, ओह कहिंदा सी इह परमेशर नूं मनदे नहीं हैगे, बई मैं परमेशर नूं मनण वाला आ, इह गलत मनदे आ। अज कल्ह वी इदां ही आ, ते ओह फड़ के उहनां नूं जेल विच दिंदा, तां ही इह नठ के गए सीगे। थोड़े चिर बाद ओह डिमैस्कस नूं गया, उत्थे भी जाके उन्हें लोगों को फड़ के जेल में देना सीगा जिहड़े यीशु मसीह नूं मानदे सी, पर गब्बे यीशु मसीह मिल गया उन्हें। आमीन। ते की होया? ओह यीशु मसीह का चेला बन गया। इत्थे जाके वह प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे दसदा है, ते एक पुछा देने वाली लड़की आ उहदे पिछे पिछे जांदी आ, ते वह की कहिंदी आ? इह कहिंदे सच्चे रब का प्रचार कर रहा है। आपां इह सुणदे आ 16वां चैप्टर 16 ते 17 आयत। पवित्र बाइबल विच इस तरह लिखा आ, इउं होया कि जद असीं बंदगी करन दे अस्थान नूं जांदे सां तां एक गोली सानूं मिली जिहदे विच भेत बुझण दी रूह सी अते टेवे ला के उह अपने मालकां लई बहुत कुछ कमा लिआउंदी सी। सो पलूस दे अते साडे मगर आण के हाका मारदी अते कहिंदी सी, जो ए लोक अत महा परमेश्वर दे दास हन जेड़े थानू मुक्ति दा राह दसदे हन। ओ बहुत दिना तीकर ए करदी रही, पर पलूस अक गया अते मुड़ के उस रूह नू कहिंदा कहा, मैं तैनू यीशु मसीह दे नाम नाल हुक्म दिंदा हां, जो एदे विच्चों निकल जा। अते ओ उसे कड़ी निकल गई। हालेलुया। जेड़ा आप लोकां नूं सताउंदा सी हुण यीशु मसीह दे नां दे विच हुक्म दिंदा आ, ते उसे वेले भूत छड्ड के चल जांदा, हुण ओह पुछा नहीं दे सकदी हैगी, ते ओह फ्री हो जांदी है। हालेलुया। इह नां दे विच शक्ति आ। ओह तां आप ही खराब आदमी सीगा, तो आप ही लोकां नूं सताउंदा सी, लोकां नूं जेल विच सड़दा सी, पर जदों उहने यीशु मसीह दे नां च हुक्म दिंदा आ ते लोकी आजाद होण लग पैंदे आ। सच्ची अज कल भी इदां ही आ। आपां थोड़ियां होर गल्लां शेयर करनियां सी, पर अज अपने को टाइम है नहीं गा, आपां इत्थे फिनिश करना आ। हो सकदा जदों मैं नैक्सट टाइम आया मैं होर इहदे बारे गल्लां करूँगा, ते आपां देखांगे इस नां दे बारे देखांगे, ते तुसीं अपने नां नूं होण शुरू कर सकदे आ। जे तुसीं बीमार आ, तुसीं इस नां नूं बीमारी विच हुक्म दे सकदे आ। तुसी की देखना, जे तुसी रोज़ हुक्म देने लग पाए तो तुसी ठीक होने लग पैना। करके बीमारी होर कोई जिन्ने भी दुष्ट आत्मा वो इस ना तो डरदे आ, कंबदे आ, तो वो छड्ड के चल जाते हैं। तो दो नोटिस देंगे, मैं फिर थोड़े वास्ते प्रार्थना करनी है, तुसी देखना तुसी भी फ्री हो जाना आ, तुसी भी उस ना नूं सदना आ। जिन्ने भी डिप्रैशन ओपरेशन के थले आजाद हो जाना, जिन्ने भी दुष्ट आत्मा ने फड़िया आ तुसी फ्री हो जाना आ। करके वो जिहड़ा ना आ वो थोड़े कन्नां दे विच जदों पैणा आ, जदों दुष्ट आत्मा ने सुनना आ, उन्हें छड के थानू नट जाना है। हाँ जी, नोटिस दिओ दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थानू ओल्ड नेशन चर्च के बारे नोटिस देना चाहुंदा हां। अगर तुसी किसे चर्च नूं नहीं जांदे ते घर विच बैठे आ, जां किसे गल तों नाराजगी हो गई किसे दे नाल, उहदे करके तुसी घर विच बैठ गए आ, असीं थानू यही कहांगे कि घर बैठन दी बजाए असीं थानू अपील करदे आ कि तुसी ओल्ड नेशन चर्च दे विच आओ। तुसी आप भी आओ, अपने यारां दोस्तां नूं, आंढियां गुआंढियां नूं, रिश्तेदारां नूं, सारी फैमिली समेत ओल्ड नेशन चर्च दे विच आओ, जिहड़ा कि टैंपल स्ट्रीट बुलवरहैम्पटन सेंटर दे विच है। सो सारियां बसां तकरीबन उत्थे आउंदियां आ। सो तुसी किसे नूं भी पुछ सकदे आ, टैंपल स्ट्रीट बुलवरहैम्पटन।
ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ इस दे नाल ही प्रचार किया जाता आ वचन का जिहदा ट्रांसलेट किया जाता इंग्लिश दे विच सो तुसी अपने टीनेजर बच्चे जिहड़े आ जिहड़े इंग्लिश जानते आ उन्होंने भी लिया सकते हैं वह भी वह वचन सुन सकते आ वह भी बरकत पा सकते आ। इस तो अलावा यीशु मसीह दे नाम च प्रेयां कीतियां जांदियां आ सो दुष्ट आत्मे निकलते आ भैणा भरावां दे शरीरां चों छड के चल जांदे आ बीमारियां छड के चल जांदियां बहुत सारे भैण भरा शिफा पाउंदे आ होर भी बहुत बड़े बड़े काम हुंदे आ सो अगर तुसीं बीमार आ दुष्ट आत्मा दे जकड़े होए आ तो तुसीं भी प्रे करन लई आ सकदे आ साडे नाल। उस तों इलावा खाण पीण दा चाह पानी दा प्रोग्राम भी कीता जांदा आ ते नाल ही अगर तुसीं कोई प्राइवेट अपॉइंटमेंट पास्टर जी दे नाल बनाउणी चाहुंदे आ तो वह भी तुसीं बना सकते हैं और थोड़ी जिहड़ी गलबात आ वह पूरी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी सीक्रेट रखी जाएगी सो किसी दूसरे नूं पता नहीं लगेगा। ये गल दा तुसीं खास करके ध्यान रखना डरना नहीं घबराउणा नहीं किद्दां दी भी मुसीबत थोड़े कोल आ तुसीं शेयर करनी चाहुंदे पास्टर दे नाल जिहदा हल नहीं निकलदा थोड़े कोल पास्टर जी तुहानूं जरूर एडवाइस करनगे। इस तों इलावा होर भी असीं 24 आवर मीटिंगां चल प्रेयां चलदियां आ अपने चर्च के पंजाबी दे विच भी सलोट दिते जांदे आ अगर तुसीं चाहुंदे आ प्रे करवाउणी तां तुसीं ओह प्रे सलोट दे विच भी फोन करके तुसीं प्रे रिक्वेस्ट पा सकदे आ तां तुहाडे लई घर बैठिआं लई तुहाडे लई प्रे कीती जाएगी तुहानूं उत्थे चर्च च आउण दी लोड़ नहीं पैणी। होर बहुत चर्च अलाइव आ कुछ ना कुछ चर्च के यीशु मसीह की बड़ियाई वास्ते हुंदा ही रहिंदा आ सो तुसी मिस नहीं करना जरूर अपनी फैमिली समेत आउण दी कोशिश करनी। हाँ जी पास्टर जी आमीन चेता रखना अज आपां सिखिया जीसस दा नाम लैणा आ आमीन उहदे विच पावर आ उहदे विच शक्ति आ ते आपां हुण प्रे करन लगे आ स्पैशली उहनां वास्ते जिन्हां नूं शैतान ने दबाया आ जिन्हां नूं उह अपने रात नूं सौण नहीं दिंदा हैगा तंग करदा आ मैं हुण प्रे करनी आ थोड़ा डिप्रैशन अप्रैशन टुट जाना ते तुसी ठीक होण लग पैणा। हालेलुया आ जाओ आपां प्रे करिए। थैंक यू फादर थैंक यू स्वर्ग पिता ही थोड़ा धन्यवाद थोड़ी बड़ियाई करदे आ जिन्ने भी मेरे भैण भरा अज सुन रहे आ स्वर्ग पिता मैं उहनां वास्ते प्रे करदा आ यीशु मसीह दे नां दे विच ओह आजाद हो जाण यीशु मसीह दे नां दे विच दुष्ट आत्मा छड के चल जाण उहनां दी शक्ति टुट जावे यीशु मसीह दे नां दे विच स्वर्ग पिता ऐसे वेले फ्री हो जाण रात नूं उहनां नूं तंग ना कर सकण उहनां नूं आजादी मिल जावे स्वर्ग पिता ओह आनंद दे नाल जीवन गुजार यीशु मसीह दे नां दे विच यस हालेलुया आमेन आमेन। जिहड़े बीमार आ उहनां वास्ते भी प्रे करूंगा उदों पहला मैं खंच टीवी दा धन्यवाद करना चाहना भी वह सानू मौका दिंदे आ असीं ये खुशखबरी थोड़े तक पहुँचा सकते हैं थोड़े वास्ते अरदासां कर सकते हैं सो आपां उन्हां वास्ते भी अरदास करांगे उन्हां दा टेलीविजन एदू भी ज्यादा प्रोस्पर होवे एदू भी ज्यादा गाहां वधे आजो आपां पहला खांची टीवी वास्ते प्रे कर थैंक यू फादर स्वर्ग पिता ही थोड़ा धन्यवाद थोड़ी बड़ियाई करते हैं असीं यीशु मसीह दे नां दे विच मंगदे आ खांची टीवी नूं ब्लैस करो इन्हां दीआं सारीआं लोड़ां नूं पूरीआं करो जिन्ने भी इत्थे काम करदे आ और तुहाडा हाथ उहनां ते होवे तुहाडी कृपा उहनां ते होवे उहनां दे परिवारां उत्ते कृपा होवे स्वर्ग पिता बीमारी दुख तकलीफ उहनां नूं छड के चल जावे यीशु मसीह दे नां दे विच थैंक यू लॉर्ड आमीन आमीन। जिन्हें भी बीमार आ आपां उहनां वास्ते प्रे करदे आ स्वर्ग पिता असीं तुहाडा धन्नवाद थुहाडी बड़ियाई करदे आ असीं पढ़िया सी यीशु मसीह कहिंदा जदों असीं बीमारियां नूं हुक्म देवांगे ओह नठ जाणगे जिन्ने भी मेरे भैण भरा इस वेले कैंसर दे थले आ जां होर किसे बीमारी फड़े आ मैं यीशु मसीह दे नां च हुक्म दिंदा ऐसे वेले स्वर्ग पिता उह ठीक होण लग पण बीमारियां उहनां दे शरीर विचों छड के चल जाण यीशु मसीह दे नां दे विच उहनां नूं आराम आउण लग पवे जे बैठदे पए आ यीशु मसीह दे नां दे विच उठ के बह जाण तुरन फिरन लग पैण जे उहनां दी किडनी जां लिवर आ यीशु मसीह दे नां दे विच ठीक हो जावे यीशु मसीह दे नां दे विच दिल ठीक होण लग पैण खून दीआं बीमारियां यीशु मसीह दे नां ठीक होण लग पैण। स्वर्ग पिता असीं तुहाडा धन्नवाद तुहाडी बड़ियाई करदे आ तुसीं इह जिहड़ा वचन सी ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਮੀਨ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ